नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि आप गल्फ से सऊदी अरबिया, दुबई या फिर मस्कत से ले लें या फिर कुवैत, कतर, बहरीन, इन सभी से आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लगातार विचार कर रही है। उसके बाद ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है वंदे भारत आपको मालूम होगा, जो कि एक हफ्ते के लिए चलाया गया है। इसमें लगभग 14,000 यात्री जाएंगे। उसके बाद आप यूपी हो गया या फिर बिहार के लोग हो गए, महाराष्ट्र, सभी स्टेट के जो फ्लाइट हैं उसके विषय में काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर जो आपको इंडिया जाना है तो आपका किसी भी राज्य में रहते हो तो काफी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक जरूर कर दे। सबसे पहले पर बात करें तो ये वंदे भारत मिशन चल रहा है, इसमें आपको बता दें 64 फ्लाइट लॉन्च की गई हैं इंडियन एम्बेसी द्वारा, ये जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसमें 14,000 कुछ हाथ प्लस आदमी है, जो अमेरिका से लेके दुबई, सऊदी, हर एक जगह कंट्री, सब कंट्री से लगभग 14,000 यात्रियों को लेकर जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें आपको खर्चा खुद अपना ही उठाना है, पूरा फ्लाइट का खर्चा हो गया या फिर वहाँ 14 दिन का क्वारंटीन। वहीं आपको बता दें, अगर जो आप यूपी, बिहार या कहीं के भी रहने वाले आम इंसान, एक जो कि पहले तो बहुत सारे जो ओल्ड सिटीजन थे उनको ले जा रही थी, लेडीज थी जो उनको ले जाया गया, अब आने वाले अगले हफ्ते में, जी हाँ अगले हफ्ते में आपको बता दूँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली, और बहुत सारे देशों में तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है। यूपी से लेके, लखनऊ से लेके महाराष्ट्र तक, मुंबई हो गया या फिर हैदराबाद हो गया या फिर गुजरात का, सभी जगह का ऐलान किया गया है। कहीं के भी यात्री रहेंगे जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें जैसे सऊदी अरबिया में तो ऐलान कर दिया गया, सऊदी अरबिया में सबसे पहले इसका ऐलान किया गया 16 मई, 16 मई से इन सभी बाकी स्टेट, जो भी तो दो ही तीन फ्लाइट सऊदी अरबिया से लॉन्च किए गए, लेकिन यूपी हो गया फिर, और महाराष्ट्र मुंबई हो गई या फिर बिहार पटना, इन सभी के लिए, हैदराबाद, सभी देशों, सभी मतलब सभी जो राज्य हैं उनके लिए नॉर्मल फ्लाइट लॉन्च होने वाली है सऊदी अरबिया से। सबसे पहला देश की बात करें तो सऊदी अरबिया से ये लॉन्च किया गया 16 मई से, आपको बता दें 16 मई से, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने खुद ऐलान किया वहां पे। तो आने वाले जैसे अमेरिका से लंदन या फिर आप दुबई में रहते हो तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि आपको बता दें आज मीटिंग भी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पर विचार करने जा रही है। 16-17 ये किसी 16 और 17 जैसे 17 मई तक तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया, उसके बाद अब विचार किया जाएगा। हो सकता है, जिस तरह 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सऊदी की यात्री तो जाएंगे, बाकी ओमान हो गया या मस्कत हो गया या कुवैत हो गया या कतर हो गया, ये यात्री के बारे में 16-17 मई या 16 मई को ही डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इससे आपको बता दें कि आप कहीं भी रहते हो, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, अगर जो आप इंडियन हो तो आप रजिस्टर करके छोड़ दो इंडियन वेबसाइट, इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, 100% आने वाले एक से दस दिन के अंदर हो सकता है आपके पास फोन आ जाएगा कि आपका टिकट है, गारंटी के साथ, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, मगर अभी ये मिशन जो वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये चलता ही रहेगा। पहले फेज में मात्र ऐलान किया गया इतने आदमी को लेकर जाएंगे, बाकी ये 16 मई को हो सकता है ऐलान कर दिया जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि उसमें भी आपको क्वारंटीन किया जाएगा, इसी द्वारा इंडियन एम्बेसी के द्वारा आप जाओगे, टिकट का पैसा ऐसा ही इधर ही सब कुछ इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अभी इंडियन एम्बेसी इस तरह टिकट उनको दे रही, जो सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट के आदमी है, जैसे कोची का पहला फ्लाइट ओमान से गया था, दूसरा फ्लाइट चेन्नई के लिए जाने वाला, लखनऊ का तो कोई फ्लाइट ही नहीं है अभी तक ऐलान किया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सभी राज्यों का एयरपोर्टों का अभी तक कोई फ्लाइट ऐलान नहीं किया गया। तो आने वाले वक्तों में 16 मई को आप जरूर वेट करें, और इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, अगर जो आप सऊदी, दुबई या कहीं भी रहते हो तो उस पे जाके अपने इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, जो आपका देश जिसमें आप रहते हो वहां से रजिस्टर करके छोड़ दो, फिर आपको तुरंत इंडियन एम्बेसी कॉन्टेक्ट जरूर करेगी। गुड न्यूज बस आने वाला है, सभी के लिए आने वाला, ऐसा नहीं है कि बस अब कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय तो गुस्सा हो गए थे कि क्या हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हो सकता है आज 16 मई या 17 मई को 100% इंडियन गवर्नमेंट ऐलान जरूर कर देगी, यूपी, बिहार या कहीं के किसी भी राज्य के हो आपको ले जाया जाएगा, जो कि काफी गुड रहेगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।